ओके तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बताने की नीड नहीं है, अगर आप एक ट्रेडर हो तो इतना आपको पता होगा। स्विंग ट्रेडिंग सिंपल है, आज आपने खरीदा और कुछ टाइम बाद आपने उसको बेच दिया किसी भी स्टॉक को खरीद कर, और आपने उससे एक अच्छा रिटर्न क्रिएट कर लिया और उसको अपने प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो दिस इज़ अ स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली। ठीक है, अभी डायरेक्ट बात करते हैं, स्ट्रेटजी पे आते हैं। ठीक है, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहला की पॉइंट आता है अपने इंट्रो। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं, जैसा कि अपनी स्ट्रेटजी का नाम है फिबोनाची। ठीक है, फिबोनाची एक सिंपल टूल है, ये कोई भी इंडिकेटर नहीं है। यहाँ पे हम एक इंडिकेटर भी यूज़ करेंगे, मैं बताऊंगा। ठीक है, जस्ट फॉर डबल कंफर्मेशन। ऑलराइट, तो आज हम सीखने वाले हैं फिबोनाची। फिबोनाची का एक सिंपल टूल यूज़ करेंगे, बहुत ही सिंपल, उसको भी अपन सिंपल बना देंगे, जो एक्चुअल में टूल है उसको भी सिंपल कर देंगे। ठीक है, तो उसको हम आज यूज़ करेंगे और उसी पे बेस पर हम ट्रेड लेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो ये अपना सिंपल था इंट्रो, वो भी मैं बता दूंगा अभी कहाँ से कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रो हो गया, अब बात करते हैं टूल की। तो यहाँ पे हम दो टूल यूज़ करेंगे। ठीक है, टूल एक यूज़ करेंगे जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर देख सकते हो ये इस टाइप से। ठीक है, ये मैंने अभी इसको मॉडिफाइड किया है, तो इसको बोलते हैं अपन फिबोनाची। यहाँ पर आप आना इस वाले सेक्शन में। ठीक है, ये आता है फिब रिट्रेसमेंट। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ पे ऐसे फिब आ जाएगा। अभी आपका कुछ और दिखेगा, मेरा कुछ और है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, इसकी सेटिंग्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये देखो, और ये देखो आप मेरी सेटिंग्स देखो। ठीक है, इस तरह से नीचे नहीं, बस ये मेन सेटिंग्स है, इनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और इस तरह से कर लेना। ठीक है, अपने को बस ये चार लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चार लाइन लेना है और इस तरह से अपना ये वाला टूल सेट हो जाएगा। अब दूसरा आपको क्या करना है, यहाँ पर इंडिकेटर वाले सेक्शन पर जाना। ठीक है, कहाँ गया, यहाँ पर कहीं मिलेगा, हाँ ये इंडिकेटर पे जाना, यहाँ पे सर्च कर लेना EMA। ठीक है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पर क्लिक करना। ठीक, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपना मूविंग एवरेज आ जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे सेटिंग्स पे जाके क्या कर लेना, 200 EMA। ठीक है, यहाँ पे आना इस तरह से, और यहाँ पे इनपुट लेंथ 200 EMA, स्टाइल जो भी करना वो कर लेना, ओके कर देना। इस तरह से यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, बस ट्रेंड को कन्फर्म करने के लिए सिंपल, ये अपने हो गए दो टूल। ठीक है, अब इसके बाद हो गया टाइम फ्रेम का यूज़ करना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आ गए टाइम फ्रेम। अभी टाइम फ्रेम क्या यूज़ करना है अपने को, यहाँ पे वीकली। ठीक है, देखो ये काम सब में करता है। ठीक है, वन डे में भी करता है, फोर में भी करता है, थ्री में, सब में काम करेगा, लेकिन एक्यूरेसी अच्छी चाहिए स्विंग ट्रेडिंग में, तो अपने को 1 वीक यूज़ करना है। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग अगर बढ़िया करना है तो 1 वीक यूज़ करो। ठीक है, और इसका यूज़ बहुत सारे तरीके से हो सकता है। ठीक है, मतलब जो अभी मैं सिखाने वाला हूँ ना, वो कुछ नहीं है, मतलब वो एक पार्ट है। आप फिबोनाची को बहुत सारे तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, ब्रेकआउट में कर सकते हो, रिट्रेस में कर सकते हो, काफ़ी सारे पैटर्न्स होते हैं जो कि मैं आने वाली वीडियोज़ में उनको भी कवर करूँगा, बट आज हम सिंपल जो सिखा रहा हूँ वो सीखेंगे। ठीक है, तो अपना ये क्या हो गया, टाइम फ्रेम 1 वीक। ऑल राइट, एंट्री, अब सबसे पहले तो इसको लगाना सीखेंगे, एंट्री बाद में सीखेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, फिबोनाची सिंपल क्या बताता है हमको, ट्रेंड का रिट्रेसमेंट बताता है। कभी एक कोई ट्रेंड आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं इस वाले स्टॉक में देखता हूँ। ठीक है, बस इस पर देखते हूँ, अपने को क्या करना है, एक स्ट्रेट मूवमेंट कैच करना है। ठीक है, बिल्कुल एक सीधा, जहाँ पे मार्केट बिल्कुल स्ट्रेट गया हो, बिना ऐसे ऐसे ज़्यादा जिगजैग किए हुए। ठीक है, रिट्रेसमेंट ज़्यादा ना लिया हो, अपने को ऐसी लाइन पकड़ना है। तो ये देखो, चेक करो आप लोग, ये वाली लाइन। ठीक है, तो इस वाली लाइन का क्या करना है, लो पकड़ लेना, ये लो देख रहा है ना, देखो यहाँ पे एक छोटा सा रिट्रेसमेंट है, तो अपन ज़्यादा नीचे से नहीं लेंगे, यहाँ से स्ट्रेट मूवमेंट दिख रहा है। तो अपन ने क्या किया, इसका लो पकड़ा, यहाँ पे एक बार क्लिक किया, देन सीधा इसका हाई, इसके हाई तक लेके जाना है। ठीक है, सिंपल, ये देखो ये वाला इसका हाई है, ये यहाँ पे। अब इस हाई से अपने को ये यहाँ पे लगा देना टूल को, सिंपल हो गया, ये अपना टूल लग गया। अभी इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आता है अपना एंट्री। अब देखो, अब इसको एंट्री कैसे करना है, जब ये जो ऊपर से मार्केट नीचे आएगा तो क्या करता है, मार्केट बेसिकली चलता कैसे है, पूरा ऊपर गया, फिर 50% तक रिट्रेसमेंट करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद फिर अपना एक अप मूव देगा, इसको कहते हैं मार्केट का बिहेवियर, ऐसे ही मार्केट चलता है। ठीक है, आप थोड़ा सा डाउन हुआ, फिर आप, फिर थोड़ा सा डाउन, फिर अप। ठीक है, तो बस अपने को ये वाला मूव कैप्चर करना है, इसके लिए अपन ये टूल यूज़ कर रहे हैं। अभी क्या करना है, सिंपल है, ये जो अपना ये वाला लेवल है ना, 0.5 0.6, इस लेवल को मार्क कर लेना। मार्क करने की नीड नहीं है, यहाँ पे मार्क है अपना। ठीक है, अपने को यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा भी कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे ये देखना है, इस लेवल को याद रखना, इन दोनों के बीच के लेवल को, चाहे ऊपर वाली लाइन को और चाहे नीचे वाली लाइन को, किसी भी लाइन को टच करके एक ग्रीन कैंडल चाहिए अपने को। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये क्या, ये देखो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी है, ये वाली। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल दिख गई ना, बस यहाँ पर अपनी एंट्री ट्रिगर हो गई। जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी, अपने को क्या करना है, कुछ नहीं, हाई लो कुछ नहीं देखना, बस डायरेक्ट जैसे ही ग्रीन कैंडल क्लोज हो,
ठीक है, आप एक दिन एनालिसिस करोगे एक दिन पहले, तो आपको किसी भी स्टॉक में ऐसी ग्रीन कैंडल क्लोज मिलती है, बस अगले दिन जैसे मार्केट ओपन हो आपको क्या करना है, डायरेक्ट एंट्री बना लेना है। ठीक है, क्या करना है, डायरेक्ट एंट्री बना लेना है और इसके थोड़ा सा नीचे, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कितने भी परसेंट के ऐसे लो, ठीक है, आपको थोड़ा सा नीचे क्या करना है, यहाँ पे SL रखना है और उसका डबल ट्रिपल टारगेट रखना है और मैक्सिमम यहाँ तक ले सकते हो। ठीक है, ये पूरा जहाँ तक इसका मार्क है, मैक्सिमम टारगेट्स आपके यहाँ तक बिल्कुल जाएंगे और 1:3, 1:4, 1:5 भी मिल जाते हैं इसमें, लेकिन आपको वही है, पेशेंस होना चाहिए आपके पास और उसको होल्ड करने का पावर होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको मिलेगा। इस पर बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए मैंने बोला काइंड ऑफ आप इसको 2-3 महीने 4 महीने भी खींच सकते हो, और कोई कोई स्टॉक्स तो आपको काफ़ी 1 महीने में भी आपको रिजल्ट्स दे देते हैं, तो वो डिपेंड करता है मार्केट पर। ठीक है, तो मैं एक बार और बता देता हूँ एंट्री कैसे करना है। जैसे ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है, अब कैसे क्लोज होगी, या तो इसको, इस लाइन को टच करके भी क्लोज होती है तो ठीक है, या तो इसको भी यहाँ पे भी टच करके क्लोज होती है तो ठीक है, लेकिन अगर ये 0.6 का लेवल है, इसको क्रॉस करके नीचे कहीं क्लोज होती है तो फिर नहीं लेना। ठीक है, अपना भाई ये लक्ष्मण रेखा, इसको समझ लो, इस लाइन के नीचे मार्केट चला जाए, विक बना के ऊपर क्लोज हो जाए चलेगा, लेकिन इस जो कैंडल की बॉडीज हैं वो नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं आगे एग्जांपल बताऊंगा अगर मिलेगा तो, बाकी बैक टेस्ट आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इससे समझते हैं, ये जैसे परफेक्ट है, यहाँ पे ऊपर देखो कैंडल क्लोज हो गई। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से देखो, अभी अपन ने यहाँ पे एंट्री बना ली। ठीक है, यहाँ पे अपन ने तुरंत SL लगा दिया। ठीक है, SL बड़े आएंगे तो स्टॉक के हिसाब से ले लेना जैसा भी हो। ठीक है, आप लोग रिस्क मैनेजमेंट की एक अलग सीरीज बनाऊंगा, अलग वीडियो, उस पर बताऊंगा, अभी सिर्फ स्ट्रेटजी बताऊंगा। तो यहाँ पे अपन ने नीचे थोड़ा सा इस कैंडल के लो पे SL रखा, देन इसके बाद अपन ने पूरा क्या करना है, 1:2 मिनिमम लेना है, इससे कम नहीं लेना, 1:2 मिनिमम रहेगा। और अगर जिसको अच्छा परफॉर्म करना है, ये तो कुछ नहीं है, जितना बड़ा ये वाला मूव रहेगा ना उतने बड़े टारगेट्स भी मिलते हैं, तो 1:2, 1:3 आप कैप्चर कर सकते हो बिगिनिंग में। ठीक है, दैट्स इनफ, और एक्यूरेसी अपनी अच्छी है इसकी स्ट्रेटजी की, तो 1:2 भी लोगे तो एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिटेबल में होगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना एंट्री, SL, टारगेट। ठीक है, टारगेट की भी काफ़ी तरीके होते हैं, या तो आप ऊपर तक ले सकते हो पूरा, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा हो गया आप रिस्क रिवार्ड लगा लो, 1:2, 1:3, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो गया, अब बाकी का पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब आ गया BT और FT, सिंपल। इसका मतलब क्या है, स्ट्रेटजी तो सिंपल, स्ट्रेटजी में ज़्यादा काम कुछ नहीं, इतना ही था। नहीं समझ में आया वीडियो पीछे करना, फिर देख लेना, ऑलराइट ईजी। ठीक है, अभी देखना है क्या करना है, बैक टेस्ट, फॉरवर्ड टेस्ट। अब आपको क्या करना है, आपको भाई सारे स्टॉक्स में जितने भी अच्छे स्टॉक्स हैं, निफ्टी 50 के चले जाना, निफ्टी नेक्स्ट 50 चले जाना। ठीक है, जो अच्छे लार्ज कैप या मिड कैप के स्टॉक्स हैं, ठीक है, 1 वीक टाइम फ्रेम लगाना, सबको स्क्रॉल करना, ऐसा बिल्कुल एक तरफा मूव कैप्चर करना, अपना ये इंडिकेटर लगाना, ऐसे करते करते पिछले जितने महीने का डेटा टेस्ट कर सकते हो कर डालो। मिनिमम 3 से 4 महीने 5 महीने का, 1 साल का डेटा 1 वीक में कर रहे हैं तो अपन को तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पूरे स्टॉक में कर सकते हो। ठीक है, तो पूरा बैक टेस्ट करो सारे स्टॉक्स में जा जाके, इतनी मेहनत जब कर लोगे ना भाई तभी कुछ कर पाओगे मार्केट में, वरना भूल जाओ। ठीक है, तो बैक टेस्ट करो, मेहनत करो, जितना ज़्यादा बैक टेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। ऑलराइट, जब आप सारे मैक्सिमम स्टॉक्स में या बैक टेस्ट करोगे तो कॉपी में लिखना कि मेरे इतने सही जा रहे हैं, इतने गलत जा रहे हैं, इतने में टारगेट आ रहा है, इतने में नहीं आ रहा है। ठीक है बहुत कुछ, ठीक है, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में सबको सिखाता जाऊंगा, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब रखना है, वीडियो को लाइक करना है, तभी आपको कुछ सीखने मिलेगा। ऑलराइट, अब इसके बाद आता है फॉरवर्ड टेस्ट, FT। ठीक है, फॉरवर्ड टेस्ट में क्या, जब आप बैक टेस्ट कर लोगे कंफर्मेशन आ जाएगा, तो क्या करना है आपको, सिंपल एक क्वांटिटी से, ठीक है, हर स्टॉक की एक क्वांटिटी से आपको टेस्ट करना है। आप क्या करना है, आपको जितने ट्रेड मिलते जा रहे हैं 5, 6, 7, 1 साथ, ठीक है, आप बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, एक क्वांटिटी से कम रिस्क पर इस स्ट्रेटजी को लाइव मार्केट पर टेस्ट करो और उसको चेक करो, अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करो कि आपकी ये स्ट्रेटजी कितनी वर्क कर रही है। ठीक है, किसी किसी को अच्छी वर्क करेगी, किसी को नहीं करेगी, वो डिपेंड करता है वो स्ट्रेटजी को कैसे हैंडल करता है मार्केट पर, लाइव मार्केट पर। ठीक है, तो बैक टेस्ट पर अलग सीन होता है, फॉरवर्ड में अलग होता है। वो ऐसा क्यों, क्योंकि लोगों की साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, रूल रेगुलेशन, ये सारे बिगड़ जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखना है, तो पहले बैक टेस्ट फिर फॉरवर्ड टेस्ट, इतना करोगे तब जाके आएगा। एक और बात ऐड करता हूँ, 10 स्ट्रेटजी के पीछे भागोगे भाई मार्केट में कुछ नहीं कर पाओगे। एक स्ट्रेटजी पकड़ो, टेस्ट करो, जम रही है कंटिन्यू रखो। ठीक है, 1 से 2 स्ट्रेटजी इनफ है। ठीक है, तो इतना सही रहेगा। अब इसके बाद आता है बी रोबोट। ठीक है, अब जो मेन काम आता है ना, तो क्या करना है आपको, सारे जो भी मैंने पॉइंट्स बताए भाई इनको ठान लो, इनको जो मैंने बताया जितना SL बताया उतना ही लेना है, बीच में नहीं निकलना है कि यहाँ पे आया डर गए यहीं पे निकल गए, जितना SL है उतना SL। अब ऐसा भी नहीं कि SL आ गया फिर भी नहीं निकल रहा, भाई SL आ गया निकल जाओ, वरना मार्केट यहाँ से नीचे भी चला जाएगा तो हो सकता है डबल लॉस हो जाए।
तो हमेशा क्या बनो, रोबोट की तरह बिल्कुल रहो, ठीक है। जितना एसएल उतना एसएल लेके निकल जाना है। कैसे, सेम डे भी एसएल आ रहा ना भाई, भूल जाओ, निकल जाओ, ठीक है। जो सिस्टम है सिस्टम को फॉलो करो, टारगेट आए टारगेट से निकल जाओ, ठीक है। और एक चीज़ और बताता हूँ, अगर टारगेट के थोड़ा पहले से भी मार्केट रिवर्स करता है ना, तो फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओ। ये एसएल ट्रेलिंग होती है, इसको मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, कोई नहीं सिखाता है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा, जब होता है ना, कहते हैं अपन की टारगेट के थोड़ा पहले से मार्केट रिवर्स कर गया एसएल खा गया, तो भाई गलती अपनी है, मार्केट प्रॉफिट दे रहा है बट अपन ले नहीं रहे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, एक वीडियो में सब नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ठीक है, रोबोट बनो, बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो, एंट्री एसएल पे मास्टरी करो, स्ट्रेटजी पे मास्टरी करो। जितना करोगे टेस्ट उतना आप इस पर मास्टरी कर पाओगे। और वही है, डिसिप्लिन मत तोड़ना, जितना टारगेट है उतना ही लो, 1:2 मिनिमम लेके चलना है। इस तरह से आप स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, आपसे बनेगी। थोड़ा बहुत मैं आपको इसी स्टॉक में दिखा देता हूँ एग्जांपल्स। पहला तो ये लिया, अभी दूसरा और देखते हैं आगे। चलो एक ये वाला, ये देखो ये मूव, अभी लाइव का मूव दिखा रहा हूँ, ठीक है, कुछ ऐसे अलग से नहीं। ये देखो, ये कोई पुरानी नहीं है स्ट्रेटजी, अभी भी वर्क करती है, पहले भी वर्क करती थी, ठीक है, सिंपल है। ये देखो, अपन ने ये लो पकड़ा, ये हाई पकड़ा, सिंपल। ये अपन ने अपना टूल लिया, सॉरी ये लॉन्ग वाला, ठीक है। यहाँ पर ये कैंडल क्लोज करी ना, टच करके यहाँ पर ये लिया एसएल, अपन ने थोड़ा सा लो लगाया, ठीक है, स्पेस देके, ठीक है, ऐसा। अब ये नहीं कि थोड़ा सा मार्केट टच किया निकल गया, थोड़ा सा स्पेस देना, ठीक है, 5-7% मिनिमम एसएल चाहिए, 5-7%, ठीक है। अब देखो, पूरा हाई तक भी लोगे तो कितना हुआ, 1:3 मिल रहा है अपने को। अपने को कितना लेना है, 1:2 निकलो, लालच मत करो, फर्स्ट में निकल जाओ भाई। और अगर होल्ड कर सकते हो तो पूरा होल्ड करो, मैक्सिमम टाइम्स आपको टारगेट मिलेंगे ही मिलेंगे। और देखना, इससे इतना बढ़िया प्रॉफिट कमाओगे ना कि भाई थैंक यू बोलोगे आके वीडियो में, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी है, बैक टेस्ट करो, मैप टेस्ट नहीं करने वाला हूँ। जिसको सही लगे भाई तो एक बार भरोसा करो, बैक टेस्ट करो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। स्विंग ट्रेडिंग की टेस्टिंग में बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है, ठीक है। अभी देखो, इस पर एक और मूव मिला मेरे को, यहीं पर मिला, ठीक है। आप एक बहुत बड़ा मूव भी आप स्ट्रेटजी में ले सकते हो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा कैंसिल कर दूँ, और राइट अभी लिए यहाँ पर, ये एक ये बड़ा मूव दिख रहा है आप, ये यहाँ से ये वाला पूरा, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक का, इस वाले मूव में भी देखो, आपको मैं दिखाता हूँ, एक बड़ी पिक्चर देखो आप, ठीक है। इसको पूरा यहाँ तक लेते हैं, अभी देखो, कौन बोलता भाई स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती। देखो, रीसेंट के ट्रेड्स दिखा रहा हूँ, सब में काम करेंगे, सिंपल है। ये देखो, इस वाली कैंडल पे मत लेना, ये रेड के जस्ट बाद बनी है, टच नहीं करी ना, इस पे लो। ये देखो, ये यहाँ से विक बना के क्लोज हो गई, यहीं पर ट्रेड पंच कर दो, सीधी बात। इसी विक के नीचे का एसएल लगा दो 16% का, डरने का नहीं, 16% का एसएल है तो क्या हुआ, टारगेट भी तो डबल है। अब दम हो तो भाई पूरा खींच लेना, जिसके पास पावर हो, 1:3, सिंपल है। एक साल भी टाइम लग सकता है, ठीक है, तो वो होल्ड करने की पावर रखो, इसलिए वो इन्वेस्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। 1:2 लेके निकल सकते हो, 1:2 में निकल जाओ, सिंपल है भाई, इतना टाइम बचेगा, किसी और दूसरे स्टॉक में पैसे लगा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, तो इस तरह से भाई स्ट्रेटजी वर्क करती है। बाकी आपका काम है, सारे पॉइंट्स को फॉलो करो, डिसिप्लिन के साथ मेहनत करो, ठीक है। शुरू में लगता है कि अरे ये स्ट्रेटजी वर्क नहीं कर रही, बट जब तक आप उसको 3-4 महीने लाइव टेस्ट नहीं करोगे भाई, आपको समझ में नहीं आएगा। स्ट्रेटजी सब वर्क करती हैं, बस डिपेंड करता है आप उसको कैसे यूज़ करते हो, किस तरह से इस्तेमाल करते हो, ठीक है। दैट्स इट फॉर द टुडे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करके बताना, मैं ट्राई करूँगा सारी कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। तो कैसे मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, टॉपिक जरूर बताना मैं नेक्स्ट वीडियो किस में बनाऊँ। बाकी बहुत ही धमाकेदार वीडियोज आने वाली हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो कैसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर।